अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, यूँ तो आप सब ने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें बतलाया जाता है बेनिफिशरी कैसे ऐड करें, लेकिन ये वीडियो उन सब वीडियो से बिल्कुल अलग है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते हैं तो मेरा दावा है आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे इंजाज। और आपको ये इंजाज ऐप, बैंक अल बिलाद बैंक का ये जो एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना है। और मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां से क्विक एक्सेस पे जाएंगे, उसके बाद यहां क्लिक करेंगे और यहां पे आप अपना इकामा नंबर डालेंगे। इकामा नंबर डालने के बाद यहां से लॉगिन करेंगे। आपका जो भी नंबर अल बिलाद बैंक के साथ लिंक होगा, आपके उस नंबर पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। आप यहां पे ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबसे नीचे यहां आएंगे और ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन पे टिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं अपना बैंक सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहां से आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां से अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां से ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां पे आईएफएससी कोड डालेंगे। यहाँ पे IFSC कोड डालने के बाद आप यहाँ पे अपनी करेंसी चूज करेंगे, नीचे इंडियन रुपी। उसके बाद आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का पूरा नाम लिखेंगे, जिसका भी अकाउंट है। चलिए मैं पूरा नाम लिखता हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन अपना चूज करेंगे। यहाँ पे आप बेहतर होगा पर्सनल कर दें। यहाँ पे एड्रेस कुछ भी लिख दें। ये नीचे का तीन ऑप्शन ऑप्शनल है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे कुछ टाइप भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो चलिए मैं खाली छोड़ता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे कंसेंट देंगे और कंसेंट देने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। चलिए मैं कंसेंट देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे मेरा IFSC कोड गलत है, मैं IFSC कोड को सही करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक इन्फो पॉपअप आएगा, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप सारी जो डिटेल दिए थे उसको अच्छे से चेक कर लेंगे, ये पूरी डिटेल को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे, इस स्लाइड को बाईं तरफ से पकड़ के दाईं तरफ खींच देंगे, इसे कुछ इस तरह कंफर्म करेंगे। यहाँ से कंफर्म करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मेरा जो अकाउंट है बेनिफिशियरी, ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पर सक्सेस लिखा भी हुआ है।
तो इस पे अभी हम पैसा नहीं भेज सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये 4-डिजिट कोड शो होगा, जैसे देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 4929। इस कोड को आपका जो भी नंबर है बैंक एंड विलाद में उस पर एक कॉल आएगी, आप उस कॉल को रिसीव करेंगे और यहाँ और वहाँ पे इस कोड को डालेंगे 4929। आपके मोबाइल पे दूसरा कोड आएगा, आप उस कोड को वहाँ डालिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आप अपना एक्टिवेशन कोड डालेंगे, जैसे कि मेरा कोड है 4929। ये कोड डालने के बाद जैसा कि आप अभी सुन चुके हैं, मेरा जो बेनिफिशरी है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो आप यहां से डन करेंगे। डन करने के बाद देखिए मेरे लिस्ट में ये आ चुका है, ठीक है, और आप यहां से पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।